फर्स्ट ईयर्स वाले छात्रों के लिए बना रहा हूँ मैं, उनका एक टॉपिक है ट्रांसफार्मर। ये फर्स्ट ईयर वाले भी इसका उपयोग कर सकते हैं, सेकंड ईयर वाले भी इसको समझ सकते हैं और कंपटीशन वाले भी इसको समझ सकते हैं। ट्रांसफार्मर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रिकल्स का एक इम्पोर्टेंट डिवाइस है। ज़्यादातर टेलिस्टों में ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। और ट्रांसफार्मर की सबसे पहले हमें डेफिनेशन आना चाहिए क्या होती है। नाम है इसका ट्रांसफार्मर इंग्लिश में, हिंदी में हम कहते हैं इसको परिणाम व्यक्त। सबसे इम्पोर्टेंट है पहले इसकी परिभाषा, डेफिनेशन क्या रहेगी इसकी ट्रांसफार्मर की। ट्रांसफार्मर एक ऐसी स्थिर डिवाइस है जो धारा और वोल्टेज को परिवर्तित कर सकती है। फिर से मेरे साथ सुनेंगे, ट्रांसफार्मर एक ऐसी स्थिर डिवाइस है। स्थिर मैंने इसको इसलिए कहा है क्योंकि डिवाइस चल नहीं सकती है, जो यानी इसमें कोई मूविंग वाला पार्ट्स नहीं होता है, सभी पार्ट्स जो रहते हैं वो कॉन्स्टेंट रहते हैं यानी स्थिर रहते हैं, इसलिए इसकी डेफिनेशन में हमें स्थिर डिवाइस कहना पड़ेगा। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि ये वोल्टेज को कम करता है, कुछ लोग कहते हैं करंट को कम करता है, तो इसके लिए मैंने कहा है कि वोल्टेज और करंट दोनों को परिवर्तित कर सकता है, यानी हम आवश्यकता अनुसार हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज कर सकते हैं इसके द्वारा और लो वोल्टेज से हाई कर सकते हैं। करंट को भी सेम ऐसा ही कर सकते हैं, हम हाई वोल्टेज से लो कर सकते हैं और लो से हाई करंट कर सकते हैं। इसलिए ट्रांसफार्मर की जो डेफिनेशन है, ये करंट वोल्टेज को परिवर्तित कर सकता है। अब हमें करंट और वोल्टेज को कम और ज़्यादा करने की आवश्यकता क्यों होती है। नेचुरल है कि जिस तरीके से हमें अपनी गाड़ी की स्पीड को कम और ज़्यादा करने की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से विद्युत उपकरणों को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें करंट वोल्टेज को उनकी आवश्यकता अनुसार कम और ज़्यादा करने की ज़रूरत होती है। कम और ज़्यादा ट्रांसफार्मर के द्वारा आसानी से किया जा सकता है। ट्रांसफार्मर का जो मुख्य भाग होते हैं, इसके साथ में तीन भाग इसके इम्पोर्टेंट भाग होते हैं। सबसे पहला जो भाग होता है वो इसके क्रॉस होता है, और दूसरा जो भाग होता है वो प्राइमरी वाइंडिंग है, और तीसरा जो भाग होता है वो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। क्रॉस, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, इन तीनों पार्ट्स इसके इम्पोर्टेंट होते हैं। इसका एक स्ट्रक्चर मैं दिखाता हूँ। इसकी जो क्रॉस रहती है वो इस तरीके की रहेगी कोई भी ट्रांसफार्मर हो। इस तरीके की एक क्रॉस रहती है। इस क्रॉस को बनाने के लिए हमें सिलिकॉन स्टील की पत्तियों का प्रयोग करना पड़ता है। सिलिकॉन स्टील की पत्तियों का प्रयोग हम इसलिए करते हैं कि हमारे लॉसेस कम से कम होते हैं। यदि हम इसको एक लोहे की, मुख्य रूप से एक लोहे के गड्ढे का प्रयोग करेंगे तो हमारे लॉसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए हम हमेशा सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को स्टैम्पिंग करके इसका प्रयोग करते हैं। इस शब्द को ध्यान रखना, स्टैम्पिंग का मतलब होता है पत्तियों को आपस में चिपकाने का, और इनको एक स्क्रू के द्वारा हमको वेल्ड कर देते हैं। दूसरा, इसकी जो बाइंडिंग्स होती हैं, तो प्राइमरी बाइंडिंग एक साइड लेते हैं हम और सेकेंडरी बाइंडिंग को एक साइड लेते हैं। इस तरीके से हम बनाते हैं इसको। अब प्राइमरी बाइंडिंग किस साइड लें, सेकेंडरी बाइंडिंग किस साइड लें, ये कन्फ्यूजन वाला सिस्टम होता है, तो मैं इनको क्लियर करता हूँ। ये जो भाग है ये नंबर एक यानी क्रोड़ है हमारा, ये वाला भाग है प्राइमरी है, और ये वाला भाग है ये सेकेंडरी। अब हम किसको प्राइमरी समझें किसको सेकेंडरी, इसके लिए सीधा सिस्टम होता है। हम ट्रांसफार्मर को जहाँ से इनपुट करते हैं वो हमारा प्राइमरी भाग होता है, और कैसी भी बाइंडिंग हो, कहीं पर भी हो, यदि हम उससे आउटपुट लेते हैं तो वो हमारा हमेशा सेकेंडरी बाइंडिंग हो जाती है, यानी यहाँ पे हमें आउटपुट में
यदि हम इसका लोड जोड़ेंगे तो ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाएगा, और यदि हम यहाँ पे इनपुट करेंगे तो ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग कहलाएगा। तो इस तरीके से एक ट्रांसफार्मर का नाम्स और भाग होते हैं। ट्रांसफार्मर आपका जो उपयोग है वो एक चार्जर से लेकर हमारे हाई से हाई बड़े बड़े ट्रांसमिशन लाइनों में इनके प्रयोग किए जाते हैं, और इसका जो साइज होता है वो छोटा सा साइज लेकर हमारे एक चार्जर में एक छोटा सा ट्रांसफार्मर होता है उससे लेकर हमारे एक घर के बराबर की आकृति के भी ट्रांसफार्मर उपलब्ध होते हैं। यानी जितना हाई पावर्स होता जाता है ट्रांसफार्मरों का आकार हमें उस हिसाब से उनका डिजाइन करना पड़ता है। ट्रांसफार्मर का नेक्स्ट भाग होता है प्रिंसिपल सिद्धांत, उसको मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगा।